नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं सिल्वर क्रिकेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और पूरी दुनिया इस वायरस से जूझ रही है और हमारा देश भारत भी 21 दिन के लिए लॉकडाउन है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस लॉकडाउन के समय को हम किस तरीके से बिता सकते हैं और कुछ अच्छी आदतें इस टाइम में हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ही नहीं, आज पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से रुक सी गई है। यह समय धीरज रखने का है। संकट की इस घड़ी में देश और समाज को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सभी को समान रूप से इसके लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मसला यह है कि आम आदमी घर में बैठकर करे तो क्या करे। इस बुरे वक्त में शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्थिति को भी सामान रखना भी एक बड़ी चुनौती होगी। सबको चिंता है लॉकडाउन कब तक चलेगा, कहीं इसको दोबारा तो नहीं बढ़ा दिया जाएगा, ज़रूरी सामान मिलेंगे या नहीं। इस तरीके कई सवाल हमारे मन में हलचल मचा रहे होंगे। इस चिंता की वजह केवल हेल्थ और कामकाज नहीं, बल्कि इसके कहीं आगे की मानसिक दशा है। हम सभी को समझना होगा कि आज हम एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। जीने से अधिक यह जिंदा रहने की चुनौती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए भावनात्मक सहारा बने। इस दौरान आप बेसब काम करें जिनसे खुशी मिलती हो। इस समय आप सभी लोग कुछ नया सीखने की कोशिश करें। एक मौका मिला है नई बातें सीखने का। एक अच्छा बदलाव लाना है तो खुद को पूरी तरह तैयार रखना होगा। मैं इसे एक ही बेहतर समय मानकर आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करिए। हम किसी न किसी काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। समझ लें कि अब आपको यह मौका मिल रहा है कि आप खुद के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सकें। सकारात्मक बने रहें, इससे आपको हर स्थिति से खुद को उबारने में ज़रूर मदद मिलेगी। जब हम घर पर खाली बैठते हैं तो धीरे धीरे बोरियत हावी होने लगती है, इसीलिए खाली बैठने के बजाय कुछ सकारात्मक करने की कोशिश करें। टीवी, फिल्में और किताबें खाली समय में हमारी सबसे अच्छी दोस्त साबित होती हैं। अगर पेंटिंग का शौक है तो आप पेंटिंग कर सकते हैं। गिटार और पियानो जैसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सीखें। कोई ऐसी हॉबी जो आप जाने कितने साल से अपने दिल में पाल रहे हैं, उसको पूरा करने का यह बढ़िया मौका है। लेकिन चाहे जो हो जाए, घर से बाहर मत निकलिए। बच्चे भी घरों में कैद हैं, उनके पास तो दिन भर टीवी देखने या वीडियो गेम खेलकर अपनी ऊब मिटाने के सिवाय अधिक विकल्प नहीं है। कितना अच्छा हो अगर आप भी उनके साथ बच्चे बन जाएं, खुद भी रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ें और अपने बच्चों को भी जोड़ें। बहुत से लोग अपने परिवार से दूर हैं, किसी का भाई विदेश में फंसा हुआ है तो किसी के बच्चे हॉस्टल में कैद होकर रह रहे हैं। अपनों से दूर रहना सबके लिए बहुत पीड़ादायक होता है। सबको यही डर सता रहा है कि जाने प्रियजनों से कब मिलना होगा। यह मना स्थिति हर इंसान के अंदर घर कर गई है। एक स्थान पर लंबे समय तक बंद रहना हमारा स्वभाव भी नहीं है। कई दिनों तक घर में बंद रहने की मजबूरी किसी बीमारी से कम नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि आप वह सब करिए जो अपने घर में करते हैं, बस बाहर मत निकलिए। अनुशासन और संयम में कुछ दिन गुजारिए तो सही, हो सकता है इसी बहाने कुछ अच्छी आदतें ज़िंदगी में शुमार हो जाए। यह हमारे इतिहास का शायद सबसे बुरा दौर है, लेकिन हमें विश्वास रखना होगा कि यह बीतेगा ज़रूर और मानवता इस चुनौती पर भी विजय पा लेगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करिएगा आपके सभी दोस्तों में। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सिल्वर क्रिकेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। उन तीनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे होम, स्टे सेफ।